क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, तो जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा कि आज हम किस तरह के वीडियो एडिटिंग करने वाले, तो आज का वीडियो थोड़ा यूनिक सा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह के और भी वीडियो को देखना चाहते हो तो फिर चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चले जाना होगा और यहाँ पे आपको अपनी आईडी में चले जाना होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इस वाली आईडी पे आपको यहाँ पे आ जाता होके, तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे पोस्ट वाला जो हमारा ये जो आइकन होके, यहाँ पे आपको पोस्ट में चले जाने होके और यहाँ पे आपको इसे यहाँ तक रख लेने होके। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसका स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पे आपको शुरू कर लेने होके और आपको यहाँ तक रखने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ तक आपको इसका स्क्रीन रिकॉर्ड आपको यहाँ पे ले लेने होके। यहाँ पे आपको 14 या 15 सेकंड तक आपको इसका यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड आपको यहाँ पे ले लेने होके। तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड आपको यहाँ पे ऑफ कर लेने होके। तो अब आपको यहाँ पे चाहिए इरेजर ऐप, तो आप इस वाली ऐप को यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे इरेजर ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको लोड फोटो पे आपको टैप करना है और टैप करने के बाद आपको जिस इमेज को यहाँ पे इरेज करना है उस इमेज को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना होगा। तो फिर चलिए यहाँ पे मैं इस वाली इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस वाली इमेज को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसे यहाँ तक आपको इसे क्रॉप कर लेना होगा। तो उस बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना होगा। तो ये करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे बॉडी वाला इमेज है ओके, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इरेजर हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारे यहाँ पे इरेजर करने यहाँ पे रह गए तो वहाँ से आपको इसे बड़ा करके यहाँ से आपको इसे ध्यान से कर लेना होगा ओके। तो उस बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे जो फेदर वाला आप यहाँ पे देख सकते हो इस लाइन को यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे कम कर लेना है ओके। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज यहाँ पे बढ़िया तरीके से यहाँ पे इरेजर हो जाएगा ओके। तो उस बाद आपको यहाँ पे इसे सेव कर लेना है ओके। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज यहाँ पे सेव हो चुका है। तो उस बार आपको यहाँ पे पिक्सल ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको इस वाले ऐप को यहाँ पे प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको इस वाले ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना और यहाँ पे आपको सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कलर बैकग्राउंड ओके, उसमें यहाँ पे जो ब्लैंक वाला बैकग्राउंड उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना होगा ओके। यहाँ पे आपको ऐड टू फोटो में चले जाना है और यहाँ पे हमने जिस इमेज का यहाँ पे पीएनजी किया था उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसे सही से आपको यहाँ पे इसे रख लेना ओके, इतना आप चाहे ओके। तो यहाँ पे मैं चले इसे यहाँ पर इसे अप्लाई कर देता हूँ ओके। तो उस बाद आपको यहाँ पे स्लाइड करना है और आपको इस वाले इमेज पे आपको टैप करना और यहाँ पे आपको जो बॉर्डर वाला आइकन दिख रही है यहाँ पे आपको टैप करना और आपको यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर को यहाँ पे 3 mm पे आपको इसे रख लेना ओके। तो उस बाद आपको यहाँ पे शेडो पे चल जाए और यहाँ पे कलर पे जाना और यहाँ पे आपको अपने हिसाब से आप जो भी कलर रखना चाहें उसे आप यहाँ पे रख सकते हो ओके। तो उस बार आपको यहाँ पे पॉजिशन में चले जाए और यहाँ पे आप कुछ नहीं करना ओके। उस बार आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है। तो उस बार आपको यहाँ पे जो स्टिकर वाला आइकन दिख रहा है कहाँ गया, हाँ तो यहाँ पे जो स्टिकर यहाँ पे आपको टैप करना और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा हार्ट क्राउन ओके। तो यहाँ पे आपको इसे टैप करना और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी हार्ट को यहाँ पे रखना चाहो उसे आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं चले इस वाले हार्ट को यहाँ पे ले लेता हूँ ओके। तो यहाँ पे आपको इसे हेड के हिसाब से यहाँ पे आपको इसे अप्लाई कर देना ओके। यहाँ पे मैं चले इसे यहाँ तक रख लेता हूँ ओके। तो उस बार आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना और आपको इस वाले इमेज को यहाँ पे सेव कर लेना, इसके लिए आपको यहाँ पे ड्रॉप पे जाना है और यहाँ पे आपको 3 dots पे टैप करना है और आपको इस वाले इमेज को यहाँ पे सेव कर लेना ओके। तो उस बार आपको यहाँ पे इसे निकाल लेना है और उस बार आपको यहाँ पे वी एन ऐप में आपको चले जाना है। तो अब आपको यहाँ पे वी एन ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अगर आपने इस वाले ऐप को यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया तो आप इसे प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको वी एन ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन पे टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना और यहाँ पे आपको उस वाले वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है जिसको हमने इंस्टाग्राम पे लिया था ओके। यहाँ पे मैं चले उस स्क्रीन रिकॉर्डर को यहाँ पे ले लेता ओके। तो उस बार आपको यहाँ पे आगे चले जाना और यहाँ पे हमारे जो इमेज यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है ओके। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे स्पीड करना और आगे वाले वीडियो को आपको यहाँ पे डिलीट करना है। यहाँ पे आपको जो ओरिजिनल आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना और आपको इसका कर लेना 9.6 रेशियो ओके। तो उस बार आपको यहाँ पे इस वाले वीडियो को यहाँ पे आपको बड़ा कर लेना है और यहाँ पे हमारे जो पोस्ट यहाँ पे दिख रही ओके वहाँ तक आपको इसे बड़ा कर लेना है ओके। तो उस बार आपको यहाँ पे जो S2 टिकर ओके, यहाँ पे जो गैलरी वाला को दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है, स्टॉक पे जाना है, फोटो में चल जाए और यहाँ पे हमने जिस इमेज का PNG क्रिएट किया था ओके उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना ओके। तो यहाँ पे इस वाले इमेज को यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसे अपने हिसाब से यहाँ पे आपको यहाँ पे रख लेना ओके। मैं चले इसे यहाँ तक रख लेता हूँ ओके। तो उस बार आपको यहाँ पे इस वाले इमेज को यहाँ पे पूरा बड़ा कर लेना और यहाँ पे हमारा जो वाटरमार्क वाला पार्ट है उसको आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना है। तो उस बार आपको यहाँ पे जो
टेक्स्ट वाला आइकन लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको टैप करना है, डाटा टैप पैनल पर जाना है, और यहाँ पे आपको जो ब्लॉक वाला जो फर्स्ट वाला जो एनिमेशन है उस पर आपको टैप करना है, और यहाँ पे आपको टैप करना है वापस से, यहाँ पे आपका जो नाम है उसको आपको यहाँ पे टाइप कर लेना। ओके, तो यहाँ पे मैं चले रोहित जिंजर को यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको इसे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना, और यहाँ पे आपको जो नीचे वाला पार्ट है ओके यहाँ पे डेली रूटीन उसको आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कोमा वाला आइकन को यहाँ पे अप्लाई कर लेना, और यहाँ पे आपको इसे डन कर लेना, और यहाँ पे आपको जो हमारा टाइटल है ओके उसको आपको यहाँ पे स्टेप यहाँ पे पूरा बड़ा कर लेना, और यहाँ पे आपको इसे बड़ा करके यहाँ पे आपको इसे अपने हिसाब से यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना। ओके, तो मैं चले इसे यहाँ तक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो जितने भी एडिटिंग की वो यहाँ पे पूरी तरह से हो चुकी होगी। तो उस पर आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको जो भी यहाँ पे साउंड रखना हो आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको साउंड को अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले वीडियो को यहाँ पे सेव कर लेना। ओके, तो आप इस तरह के वीडियो को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।